दोस्तों आज है 100 दिन में 1 लाख अर्निंग चैलेंज का डे 3। कल के दिन तो मैंने 1065 रुपये की ही अर्निंग कर पाया था, क्योंकि कल था फ्राइडे तो मैं 2 बजे गया था। सो देखते हैं आज के दिन अपन कितना अर्न कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सैयद गुफरान एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बहुत लोगों का कमेंट आ रहा था कि 100 दिन में 1 लाख कमाना ईजी है। तो 100 दिन में ना 1 लाख कमाना नहीं है, मुझे 1 लाख बचाने का है, सेविंग करना है। 1 लाख की सेविंग करना मामूली बात थोड़ी है। मेरा पहला ऑर्डर तो मैंने उठा लिया है, बस दूसरा ऑर्डर का वेट कर रहा हूँ। पहला ऑर्डर मैं मलाड साइड का उठाया हूँ, बस बस थैंक यू भाई। चलो दोस्तों, ये मैंने पिकअप कर लिया पहला वाला पार्सल। देखो यार दूसरा ऑर्डर कब बचता है। अभी वापस से बज रहा है, देखता हूँ कहाँ का ऑर्डर है। 198 बैंड्रा ईस्ट यार, और कल इसमें पेट्रोल भी नहीं भराया था यार लास्ट टाइम पे। सो अभी पहले पेट्रोल भी भराना पड़ेगा, बिलिंग कर रहा है बार बार यार। इतनी बारिश हो रही है ना, क्या ही बोलूँ भाई, इतनी ज़्यादा बारिश हुई। अभी तक का मैंने सिर्फ एक ही ऑर्डर डिलीवर किया है, ये दूसरा ऑर्डर लेके जा रहा हूँ। डिलीवर लोकेशन पे पहुँच गया ऑलरेडी, बिल्डिंग नहीं मिल रहा है जिस बिल्डिंग में देना है। कॉल करता हूँ यार कस्टमर को, होते वापिस से फ़ोन निकालना पड़ेगा। तो 2 छोटा पार्सल उठा के तंग आ गया था, ये पार्सल देखो उठा लिया। बड़ा सा पार्सल भी बड़ा है और पेमेंट भी बड़ा है और दूरी भी बहुत ही बड़ा है। दूरे गाँव से लेके जाना है नवी मुंबई, 511 रुपये का पार्सल है। और एक पार्सल उठाया हूँ नवी मुंबई का रिबाले का, वो पार्सल है 381 रुपये का। वो पार्सल अभी कस्टमर देंगे, देखता हूँ कस्टमर क्या पता गुस्सा करें, क्योंकि दूसरा पार्सल ले रहे हो ना तो कस्टमर को बुरा लगता है। छोटा पार्सल रहेगा तो बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, बाकी देखते क्या सीन रहता है। ये बंदा तो मैं एक बार पूछता हूँ। पोटर? हाँ मैं हूँ, हाँ मैं हूँ दोस्त। तो दोस्तों वही पार्सल है, देखता हूँ टाइल्स के बीच में आएगा तो ठीक है, नहीं तो पीछे बात करूँगा। इसके बीच में आएगा क्या? देखो आता है तो ठीक है, नहीं तो मैं पीछे बात देता हूँ। ये क्या है, टूट सकता है ना, तो इसको आगे रख लेता हूँ। पेमेंट वही होगा ना सर? ठीक है सर। दो लफ्ज प्यार से बात करो, दिल जीत लो। अब चलो भाई चलते हैं, मस्त मस्त पार्सल है, ज़्यादा दिक्कत नहीं है, थोड़ा आराम से ही चलूँगा, बारिश का टाइम है और अल्हम्दुलिल्लाह से इसमें मेरा अच्छा पैसा निकल जाएगा। तो चलो चलते हैं, पहुँचाते हैं इसको नवी मुंबई। चारों वापस से बहुत ज़ोर से बारिश होने लगी है। पहले ये देने गए तो इसका पहले मैं लोकेशन लगा लेता हूँ, कहाँ से नवी मुंबई है पूरा 23 किलोमीटर। बारिश हो गई है बंद और मैं पहुँच गया हूँ एरोली वाले ब्रिज पे। ये वाली ब्रिज पार करूँगा, आ जाएगा नवी मुंबई। पहुंचने वाला हूं, बस थोड़ी दूर और रह गया है। हाँ एक उधर का है नेहरुल का, नहीं एक ही में दोनों करता हूँ, इसमें डुएल ऐप करके किया हूँ ना। अरे किस्मत रहती है कभी कभी मिल जाता है पार्सल, नहीं तो वैसे हमेशा नहीं मिलता। अब देखो बारिश हो गई, निकालना पड़ेगा। ऑर्डर कर दिया डिलीवर्ड और डिलीवर्ड मार्क कर देता हूँ। देखो 1 रुपया बढ़ गया भाई, इन 1 रुपया क्या जाऊँ मांगने, 512 रुपये का पार्सल था। दिखता हूँ यहाँ से मुंबई का ऑर्डर बचता है कि नहीं। दोस्तों बारिश हो गई बंद और मैं बता दूँ कि नवी मुंबई से मेरा 2 ऑर्डर लगा, अभी लेके जा रहा हूँ रास्ते में हूँ। ये देखो एक पार्सल ये है और एक पार्सल सीट के अंदर रखा हूँ, इतना बड़ा सा है। बाकी दोनों पार्सल ना 300-300 रुपये का है, ये मज़ा आ गया। वैसे 30-40 मिनट तो मैंने वेस्ट किया वहाँ पे, फिर जाके ये ऑर्डर भेजा यार। आज इतना बारिश हुई ना भाई, थोड़ा भी रुकी नहीं है बारिश, कंटिन्यू हो ही रही है, अभी भी हल्की हल्की बारिश पड़ रही है। पहला वाला पार्सल तो दे दिया, उसके मिले थे मुझे 301 रुपये। बाकी दूसरा वाला पार्सल भी लेके आ गया हूँ हीरा नंदानी, देखो कितना बारिश हो रही है। बाकी बिल्डिंग के नीचे आ रहे हैं जिनका पार्सल है, तो जब तक यहीं पे रुकता हूँ, आएंगे फिर दे देता हूँ। बारिश देखो यार रुकने का तो नाम ही नहीं ले रही है, इसलिए आज का ब्लॉग भी ना ऐसा बन रहा है, क्या बोलूँ। हाँ सर यही पार्सल है सर, पेमेंट आप करोगे? 334। हाँ उन्होंने पेमेंट कर दिया, 334 होता उन्होंने 340 किया। बाकी अब छोटा छोटा 1-2 पार्सल मारूँगा, बहुत ही कम मारूँगा भाई, एक ही मारूँगा क्योंकि तबीयत हो जाएगी ख़राब। पूरा भीग गया हूँ अंदर से मैं, इतना बड़ा पार्सल आ रहा है बैंड्रा ईस्ट का 232 रुपये का, कौन जाएगा। देखो अगर चकाला वकाला का आया यहीं पास का तो मारूंगा, नहीं तो फिर भाग जाऊंगा घर पे ही, घर यहीं नज़दीक में है ही। वापस से ऑर्डर बजने वाला है, देखता हूँ कहाँ का है। हाँ ये मारूंगा ये अमृत नगर घाट के ऊपर वेस्ट, बेकार है भाई घाट के ऊपर वेस्ट जाना पड़ेगा पिकअप करने के लिए। जाओ क्या, यही लास्ट मार के भाग जाता हूँ घर पे, देख रहे हो पिकअप लोकेशन।
4-5 किलोमीटर तो पिकअप लोकेशन है, चलता हूँ पिकअप करने। अब तो घाट के ऊपर वाला पार्सल कर लिया हूँ पिकअप, लेके जा रहा हूँ चांदनी वली लेके जाने का है। घर के पास का ये ऑर्डर है, देखता हूँ ये ऑर्डर मार के बंद कर दूंगा, नहीं तो मन करेगा तो एक ऑर्डर और मार दूंगा। असल में पूरा भीग गया हूँ यार, रेनकोट पहना हूँ ना लेकिन अंदर से भीग गया हूँ। यहाँ पे एक बस खराब हुई है ना इसीलिए ट्रैफिक लग रहा है पूरा। दोस्तों आ गया जिम और देखो दाढ़ी वाड़ी मैंने कटा ली है भाई आज ही। 6 बजे इतना फिर चला गया था सैलून दाढ़ी कटाने, तो दाढ़ी बाल नहीं कटाए हूँ, थोड़ा इधर जीरो मरवा लिया हो बस। बाकी देखो कैसा लुक आ रहा है मेरा, और आज ही अपना चेस्ट है तो वर्कआउट तो हो गया है, बाकी आधा बचा है तो फटाफट से करते हैं। और पीछे दिख रहा है कोई, एक मिनट दिखाता हूँ। ये देखो भाई मेहनत चल रही है, मेहनत तो फटाफट से भाई जितना भी वर्कआउट बचा है करता हूँ, क्योंकि टाइम दिखा देता हूँ। ये देखो टाइम 12 बजने वाला है, तो भाई सोने का भी है और सुबह उठ के वापस से ड्यूटी जाना है, क्योंकि अपना चैलेंज जो चल रहा है ना भाई उसको पूरा करूंगा कैसे भी इंशाल्लाह। बाकी जिम भी कंटिन्यू चालू रहेगा, जिम भी नहीं बंद होगा, कोई चीज़ नहीं बंद होगी, सारी चीज़ें चलेंगी। ठीक है, भाई एक साइड पे डालना भूल गया था, सॉरी। तो दोस्तों आ गए घर पे और अब आप लोग को दिखा देता हूँ अर्निंग। ये वाला ना ब्लॉग बहुत ही छोटा बनने वाला है, क्योंकि यार बारिश इतना हुई ना क्लिप बनाई नहीं। ये है मेरी पहली आईडी जिसमें मैंने काम किया है 976 रुपये का। ये है मेरी दूसरी आईडी जिसमें मैंने काम किया है 661 रुपये का। आज मैंने टोटल काम किया है 1637 रुपये का, तो इसमें अपनी अर्निंग डाल देता हूँ मैं 1637। ये हो गया अपना अर्निंग। और फिर पेट्रोल डलाया था आज 480 रुपये का, ये हो गया 480 रुपये का पेट्रोल। आज लंच बॉक्स नहीं ले गया था तो 105 रुपये खाया। दोस्तों 3 दिन में जो अपनी सेविंग हुई 2666 रुपये की। सो यही सब सीन था यार इस ब्लॉग का। ब्लॉग अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल पर यार सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।